पर फिर क्या, जब तू तैयार हो जाए ना तो हमें बता देना, हम लोग यहाँ बाहर पहरा दे रहे हैं। बस ये काम हो जाए, शादी हो जाए फटाफट, फिर तो मैं तीर्थ यात्रा पे चली जाऊंगी। दीदी मेरा टिकट भी करवा लेना, मैं भी चलूंगी, लेकिन अभी और प्रज्ञा को हनीमून पे भेज कर। अच्छा दादी एक बात तो बताओ, हम लड़के वालों की तरफ से हैं, लड़की वालों की तरफ से? ओए, हम जिधर भी हैं ना करेक्ट साइड पे हैं, लड़का भी हमारा लड़की भी हमारी। ये सरपाला भी आप और ये दादी भी आपकी। दादी दादी मर जावा, कितनी सोनी लग रही है दीदी, कहीं हम दोनों की नजर ना लग जाए इसे। हाँ बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी पहली बार मेरे घर में मेरी बहू बन के आई थी। नहीं दादी, आज तो दी के चेहरे का ग्लो ही अलग है। पहली बार जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज थी, लेकिन इस बार जो शादी होगी वो लव मैरिज होगी, और प्यार का तो रंग ही अलग होता है। ओए तू सही कह रहा है, खिले हुए गुलाब की तरह लग रही है हमारी प्रज्ञा। मुझे लगता है कि शादी के बाद इसकी रोज नजर उतारनी पड़ा करेगी, क्योंकि शादी के बाद जो इसे खुशी मिलेगी ना उसकी तो रौनक ही अलग होगी। और वो हनीमून के पत्तागलो अरे भाई चलो चलो अपना काम करते हैं ना। एक मिनट बेटा। देखो ठीक लग रहा है ना, कहीं से इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। वो आलिया और तनु की माँ इसे पहचान तो नहीं लेंगी ना? नहीं लेगी, बिल्कुल ढक गया इसका चेहरा। सही है ना? हाँ सही। ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 चल। एक मिनट एक मिनट, लगता है कोई आ रहा है। तू चुप जा बेटा, चुप जा। कहाँ? नहीं 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 इधर, ओ नहीं नहीं। दादी आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
रहे हैं आप? और तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी